बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सही दोस्तों आज अस मौजूद हूँ सही साढ़ा सोना डायरेक्टर सदीक उजन साहब के सैट पर साढ़े नाल मौजूद सन सी सोने कैमरामैन साढ़े राजक दरग साहब ते अस आज तो बहुत सोने सोने फनकार मिलवे सूँ ते फनकार साड़ी मैडम मिठी भी मौजूद हैं सही साढ़े नाल मौजूद हैं साढ़े महान एक्टर पप्पू शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के लजपाल आखिर लजपाल होंदे हालात बदलते रहते के लजपाल आखिर लजपाल होंदे हालात बदलते रहते खुदा गवाह है आदमी दे औकात बदलते रहते साल दे बारह महीनिया दे दिहरात बदलते रहते कोई खानदानी शाकिर बदलते नहीं कमजात बदलते रहते। अज निहायत ही मेरे काबिल एहतराम साढ़े डायरेक्टर सरायकी वसीफ दमान सदीक उजड़ साहब फूती कंडक्टर के सैट पर सही वक्त मौजूद हैं। फूती कंडक्टर के तकरीबन दस पार्ट हैं जिन्हें चों सत पार्ट साढ़े कंप्लीट हैं। अठवें पार्ट जड़ा है ना असा उनकी शूटिंग किए आए हैं। साढ़े सैट पर मौजूद ही वक्त हाजी अनवर साहब हैं। हालांकि हैं हाजी के कम पता नहीं कि लगे बदले यकीन करें जितनी इन्हों की सेहत है बनते पलेदारी करें ड्रामे च आ गए हैं। हकीकत गाल है मुकम्मल गाल सो रह सा जिनवर चाचा रही से वे जी अच्छा मैं कुछ सपरे ही करवा दो अच्छा गाल है कि अच्छा तुम ये देखो कि कितना बड़ा फनकार है कैमरे पता नहीं मूँह किमें आता उसी बहरहाल जो भी है हकीकत गाल दसना कहना जिम्मे तुम ये शाल पा दी जो वे वाल हैं बनो कि मलंग बनो कि दरबार संभालो तुम फनकार बड़े बड़े मुर्शद खाते पीने घर दे सड़ते क्यों हुए असा भी खाते पीने घर दे नाल रहते हैं नाल रहते हैं ऐसी कोई गाल कह समझ आ गई भी आई सब ठीक है ठीक है बाकी फनकार सुने से हां क्यों हाथ ना बदो तो सोचता जी ऐसी गाल कह नहीं अच्छा मेरे को समझ नहीं हालांकि माँ प्यो बंदा बाल जन्दे ना माँ प्यो आते भी पुत्र मेरा बढ़ जाते इंजीनियर बढ़ सी डॉक्टर बढ़ सी तुसा केड़े काम पै गए असर से सारा की खिदमत होता है हाँ बंदा ने यही जरूरी हो सा जी फिर तुम्हारे नाल में डर भी मेरे को लगता खड़े ये ना भी कुछ दप मारो उतो मैं वन पवा ये उसे बंदे पता कोई कहने में लगता है खड़े खड़े बदल वेंदन वे ना ना ऐसी गाल नहीं कहनी तुम्हारे मोहब्बत तुम्हारा प्यार है वे हकीकत गल हालांकि उस आलम लोहार के छोटे फिरा लगते भी नहीं वक्त मेरे को चौधरी साहब आ गए पिंड का फैसला करवे सारा बंदा बुले ने चुप करते बैठे थी थोड़ी देर बारे खड़ा थी यार सारे बुले ने खड़े मेरी भी तो कुछ सुनो क्यों नहीं सुनते मुर्शद मैं आप दी तारीफ कि आवाम को दसो अगली गाल क्या है हां गाल है के ही वक्त कितने गाल मुहाड़ी शुगल खचकाई हूँ मैं दावत दे सेरा गाजी खान एक आर्टिस्ट हैं बहुत अच्छे आर्टिस्ट फूती कंडक्टर एक रोल उन्होंने किया छोलियाँ बेचण वाला जोड़ा पब्लिक बड़ा मकबूल थी आई मैं हूँ सड़े साढ़े निहायत ही खूबसूरत आर्टिस्ट आशिक पताफी साहब डेरा गाजी खान तालुक है अमर धर्म रोटी का कहनी खाने कुकड़ियां छोड़ लेंदे बेटा तू भी दाल चढ़ गया हाल सुनो ठीक है कुछ खादा पीता करो तुसे चलते फिरते त्रै सुलू हो बंदा कहीं लड़ पवे ना कल बंदे को आधा कुछ कहनी तेरी मेहरबानी तू हुण वन खादा पीता कर क्यों कर तू चांदी के मैं मोटा थी मन्या हराम खादा था उधर ना मोटा जल्दी थी ने बंदा भाई फिर मिसाल देना पे कि तू लोग ना गरीब बंदा हक खा भी बिया सुनवाओ ठीक है भाई ये सो के तू सा आठ पार्ट बढ़ते पे सारे मजा आंदा पे काम दा ठीक है ना डायरेक्शन डायरेक्टर सदीक उजड़ साहब दी डायरेक्शन दी काम करण दा उस्ताद सदीक उजड़ साहब कमाल मेहरबानी जी हाँ जी असर लेकिन तुसा ही बड़ा रोल चंगा किते वे बरन तोरी मेहरबानी खादा पीता करो तो कोई पता करी तुसा बेहोश भी थी सकदे और कोई पता करी खड़े खड़े अंडा भी तुसा दे दो क्या कम दो अंत में ज्यादा वाला खांदे ते छोले खड़े वे बिना रहेगा तो नहीं हालत ना ना ऐसी गाल के नहीं हुण ए तां खेल मजाक है हुण मैं साडे पाकिस्तान दे
ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਹਨ ਔਰ ਮੇਕਅਪ ਮੈਨ ਵੀ ਹਨ ਕੋਈ ਤੌਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਾਵਤ ਦੇਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਐਸ ਐਮ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ 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 ਮੋਹਤਰਮ ਕਿਆ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਐਸ ਐਮ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲਾ ਖੜੋ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਦਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਤਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡੋਂਕੀ ਪੰਪ ਬੰਦ ਥੀ ਕਿ ਨਵੇ ਜੀ ਨੇ ਆ ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਤਰੇ ਜਿਨ ਜੰਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਐਸ ਐਮ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ ਹਕੀਕਤ ਗਾ ਲੈਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਵੱਡੇ ਹਨ ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਤੇ ਸੜ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਹਾਲੀ ਵਧਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਮਰਨੇ ਕੋਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਦੇਵੇ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇ इस सेट के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सदीक कुजिन साहब का जो भी प्रोजेक्ट होता है जी वो और फिल्मों से हटकर होता है बिल्कुल और वाहिद राइटर भी हैं डायरेक्टर भी हैं और इंसान बाकमाल है इनकी फिल्म में सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अगर आपने सिर्फ डायरेक्टर बाय सदीक कुजिन नाम दे दिया तो वो फिल्म सुपरहिट और मैं पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सदीक उजन साहब ने नए नए चेहरों को भी मुतारफ कराया और हमारे यहाँ सीनियर आर्टिस्ट हैं समीना मिट्टी साहिबा जो कि इनकी हर फिल्म में होती है और पप्पू शाह साहब का तो खैर जितनी भी तारीफ की जाए कम है क्योंकि स्टेज के रबाने बेहतरीन कॉमेडी है और मुझे इन लोगों से प्यार है बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का ताउन हमें चाहिए कि सदीक उजन साहब की जितनी फिल्में हैं उनके कमेंट्स लाजमी दीजिए शुक्रिया थैंक यू यकीन करें हमारा बहुत बड़ा नाम है एस एम कुरेशी साहब मैं अभी बाहर थे हम तो इन्होंने मुझसे कहा कि मैं जितना भी मेरा नाम पैदा हो ये माँ की दुआ है और हकीकत बात है कि इंसान के पास दौलत हो रिस्क हो जायदाद हो जागीरदार हो अगर उसके पास माँ नहीं तो कुछ नहीं वो एक शेर मुझे याद आ गया है कि हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है हमारे कुछ गुनाहों की सज़ा भी साथ चलती है अब हम तन्हा नहीं चलते दवा भी साथ चलती है और अभी जिंदा है माँ मेरी मुझको कुछ नहीं होगा मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है हूँ ये तो एस एम कुरेशी साहब जी उर्दू बोले ने बयान मैं उर्दू बोले ना बयान सर थोड़ी मेहरबानी तुसे वेसो पे हूँ सब बेफनकार को दावत तुसे नाल खड़सो सर तुसे मेरे नाल हजूर कर आप मेरे साथ हैं यकीन करें आपके बुजुर्गों का साया जरूरी है यकीन करें आप अगर यकीन करें इनकी उम्र 95 साल है अगर इनकी उम्र 100 साल हो गई ना ये 100 साल बाद साहब बन जाएंगे और मेरी दुआ है कि आप दोतरे पोतरे वालों हो जाए और दोतरे पोतरों से आप खल्ले खाएं मेरा मतलब है कि आपकी मोहब्बत दोतरे पोतरों के साथ तो अब मैं जिस आर्टिस्ट को दावत दे रहा हूँ नई आर्टिस्ट है सदीक उजड़ साहब का इंतखाब उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया है इनका मैं अब दावत दूंगा आसमा सियाल को वो तशरीफ ले आए जी आसमा क्या हाल है आपके वेरी गुड ये केड़ी दरबार तू जाए मेरा बच्चा ये मर वनवा ता कब्र ते रखवाई ता वो जीते रखे ने क्यों चलो कब्बर दे रखो ये मर बन या ई कुता चलो पूरा तो उसड़े सु अच्छा जी मैडम क्या हाल है कैसा महसूस कर रही हैं आप बहुत अच्छा महसूस कर रही हूं बहुत खुशी भी हो रही है और क्या कहते हैं इसके प्यार के मुझे मौका भी मिला है सदीक उजड़ साहब की डायरेक्शन में आपने पहले भी दो खाकों में काम किया है अब ये तीसरी बार यहां पर आ रही हैं कैसी डायरेक्शन है इनकी बहुत अच्छा लगता पे जिवे सर सब काम सिखाने पे उन्होंने मेहनत ओ मेहनत भी करने पे असा भी थोड़ा दिल लगा के काम भी करते पैसे असा कोशिश करे सु के भाई आगे ते सन थोड़ी चलन की कोशिश करूं जी 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 बिल्कुल बिल्कुल इन कोई शक है नहीं के सदीक उजड़ साहब दा एक बहुत बड़ा नाम है इन दी डायरेक्शन च आ ते बंदा नवा नवा बंदा आउंदे लेकिन इन बावजूद भी नवे बंदे को जेड़ा है ना ट्रेन करे ने मेरी भी पहली फिल्म सदीक उजड़ साहब ने की है इन दी मेहरबानी हुन
जी फनकार को मैं दावत देना पिया मेरे अल्फाज नहीं क्योंकि ना बहुत बड़ा है स्टेज की दुनिया के सरेकी पट्टी दुनिया के बहुत बड़ा ना बहुत बड़ी आर्टिस्ट मैं सिर्फ उन्होंने वास्ते इतना आखे स मैं उन्होंने सड़न को पहले मैं इतना आखे सके तू सा बन ना बन दिल भर हे गाल सफा सते दे है कि तू सा बन ना बन दिल भर हे गाल सफा सते दे है दे गोडे नाल तू जा सकूँ या दूर बिलहा असा तेडे हैं मेरे डूबे हाथ अखी ते जेड़ी कसम चवा असा तेडे हैं रख आप गुलामी विच शाकिर या वेच वटा असा तेडे हैं बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट मैं दावत देसा समीना मिठी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी मैडम ये नाल थी हो मैं जरा मर गया मेरे को उम्मीद है मेरी कब्र ते फुलके नहीं रहे जींदे जितनी मेरे को लोग पवे दे पे ना ना अल्लाह तुम्हारी जिंदगी रखे ऐसी गाली कह नहीं तुसे कमाल कर ले खड़े वे मरना हर इंसान ने लेकिन दुआ चंगी मंगनी है पता नहीं क्या बन से जी मैडम तुसा कोई तारुफ दे मोहताज नहीं दसो के की महसूस थी ना भी आज ई ड्रामे च काम करेंदे हो क्योंकि तुसा हर फिल्म में सदी कुडन साहब दे होंदे वे गाले में के तारीफ अल्लाह से दी होंदी है बेशक दे तो कोई शक नहीं जणन मेरे नाल जो इतनी बड़े फनकार खड़े वे इतनी अच्छे फनकार खड़े वे मेरे को में कोई तारीफ दे इतनी अल्फाज कोनी क्योंकि मेरे अल्फाज छोटे हैं पे जिमे कुरैशी साहब खड़े रईस साहब खड़े पप्पू शाह साहब मैं इतनी सिर्फ वक्त समझतेर के सदीक जन नाल कोई डायरेक्टर नहीं मिल सकता पर हैं सारे काबिल इज्जत के खिलाफ नहीं बुलेंदे सब तो जरी मेन गाल है कि धियां भेणी मामा भेणी बहते कोई भी मूवी भी जरी बने दे ओ देख सकदे रखता खुशी दी गाल है सिर्फ तो दुपट्टे कोनी लावण दे सारे वाह वाह सब ओवर एक्टिंग के नहीं कराने दे कोई अगर गाना भी होवे तो उंदे विच डांस कोनी वे होंदा बस असा दी दुआ है कि सी मेहनत करें दे पेन अल्लाह करे के सारे जिवे असा मैं अपने आप को नवी समझदी हां मैं समझदी मैं कोई काम के नहीं कीता मैं सीख रही होदी हां काम को तुम्हारी दुआ नाल अल्लाह करे के असा को अल्लाह से मंजिल तक गिन वने और पे जेरी है ना मेहनत अल्लाह से हुको रंग लावे आमीन आमीन हुण साडे पाकिस्तान दे बहुत अच्छे आर्टिस्ट बहुत अच्छे बासरी नवाज तारुफ कर विसु सर दो समझना दा जरूरी है उनका तारुफ मैं भी नहीं करा सकता जितने उनका काम है हमारे से मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट हैं और ये देख लें कि वो एक बांसुरी के अंदर पूरी दुनिया का निचोड़ दे देते हैं कमाल आर्टिस्ट हैं कमाल शख्सियत हैं मैं खुद उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ मकसूद सागर उनका नाम है मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो सामने आए और मोहतरम आई एम सॉरी मैं कुछ फुल एक रोल चलते नहीं यहीं वास्ते जरा ना जरूरी है जरूरी है सर 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 मेहरबानी जी सर तुसा ठीक ठाक सलाम छोड़ा ये तो सर मेहरबानी तुसा इज्जत बख्शी है वरना फनकारा दा ते एक्टरा दा मैं समझना के दामन चोली दा साथ होने बिल्कुल बिल्कुल जरा नवाजी है तुम्हारे सारे बिरावा दी किसा कोई इज्जत बख्शी है बिल्कुल सही के आर्ट जितनी भी है वो सारे आर्टिस्ट जरा जड़े हैं ना उन्हें मुख्तलिफ अगों शोभे थी वे कोई एक्टिंग दे हवाले नाल कोई डायरेक्टिंग दे हवाले नाल कोई म्यूजिक दे हवाले नाल ते मैं ही गल में समझे के भी तुहाडा ते साडा हिक्का ग्रुप है ते तुहाडी ही महफल दे विच ही मूवी दे विच असें शिरकत करो तुसें इज्जत बख्शी है जनाब दा शुक्रिया पप्पू शाह साहब ठीक है सारे असम कुरैशी साहब ठीक है सदीक गुजर साहब ठीक है तमाम कैमरामैन तमाम टीम को तह दिल तो सलाम और असा दावत देसूँ के ही फिल्म दे मुकम्मल तो बाद इो टीम सारे नूर महल मेरे को तशरीफ गहन आए इंशाल्लाह ताला इन्होंने उत्तर के भी एक क्लिप बने सूँ वो एक खाका नुमा हो सी तुम्हारी मदद करे बहुत मेहरबानी हाँ सर ये दसो जितनी तुम्हारी उम्र है इन्हें जिसते हैं पता लगता है जिम्मे कह सकते प्यो दी खड़े हो तू ए डे को मेरे नाल खड़े कितनी खुश दी खड़ी है तू श्रद्धा गणी वजह ही है ऐसे में कोई ऐसा मैंने गलत कहा है नहीं उर्दू बात करे वैसे भी मैंने गलत कैसे ही कहा है नहीं खैर आपने गलत तो नहीं कहा क्योंकि आप खुद गलत है और यकीन करे मैंने जिंदगी में आज तक सच नहीं बोला आपके आगे भी झूठ नहीं बोलूंगा और मैं बड़ा हैरान हूँ कुरैशी साहब यकीन करें
जो बात करते उर्दू में करते हैं। उर्दू इंसान वो बोले जिनके रिश्तेदार अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो, आपके आधे जेल में हैं। अजीब बात है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अच्छी बात है। लंदन पढ़ते रहे, लंदन ही सब अमेरिका, यकीन करें। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ना, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ते रहे हैं भाई। मैं लंदन गुरु पढ़ते ही था, और मैं ही था, पूछा मुन वही था देखा। नहीं ऐसी बात नहीं है, ये बात है। कुरैशी साहब और सुनाएं आप। बस दुआएं सर, आप सब ठीक मिठी ना, बड़ा कमाल है, यकीन कर दो। जिन्होंने लड़ी वे बल वे वे मिठी अल्लाह। मेरा ना पप्पू रख दी तेने, पप्पू ने 80 साल का थी मैंने, मैं आंदा पे और कोई पप्पू आंदा पे नो हॉट मिल जंदा पप्पू मिठी देख। हालांकि 80 साल पुराना दे मुंह वाला आई लव यू आके हां तो सोना है ता कई अबे उस्ताद कुरैशी सोना देख मुंह लिटी दा जे दरिया चप्पू नहीं मरदा बेड़ी च बांध दंदे मेरे को तई लगदा जो खबर गुस्ताद दा कोमा किरदा लगे तू ता चुप कर गंदे वठुआ दे मुछिया ला तू ता चुप कर। अच्छा ठीक है ठीक है, ढोला ठीक है, यकीन करी को कुछ ना। ये बड़ा बहादुर बंदा है, ये सब बंदे जेल है चोंदे, बंदा पूछ देना केड़े केस है जे बस यार मैं हमसा ही को छेड़ बेटा इते को की नहीं आके छेड़ राम दिलान ने जवान दा जवान बीबी बुलाओ थाई गाड़ी दे मैं खर्च नहीं मतलब रंग कला थी ये इते को पता है क्या ये जेड़ा गुलदस्ता सजदा पे साडे कैमरामैन राजक दरेक साहब ओ रहीम यार खान है ओ कहनी है सामने खड़े ने ए अच्छा 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 बस इन नाराज की माफ करियो जी राजक दरेक साहब इन्ना दी मेहरबानी है इन्ना दी काविश है और बहुत अच्छे कैमरामैन है सब फखर है सडे सर है की वसेब दे कैमरा में बहुत बड़ा नाम है। अच्छा माशाल्लाह। ए दसो के तुसना केड़े इलाके रंदे वे मैं देहात च रंदे देहात है सी अल्लाह माफ करे यकीन कर देहाती होंदे बड़े अजीब है क्यों से उर्दू बड़े अजीब तरीके ते बोले ने हुन कोई सरायकी बंदा है ना तो हुन ओ उर्दू नहीं आंदी उर्दू बड़े अजीब तरीके ते बोले सी उनु ते घर ते कोई खड्डा कोई मार देगे ना घर ते कोई खड्डा और बाहर निकलते अगे सन ओहो नाल मेहमान हो सी ना वो देखो इतना बड़ा खड्डा मार के गए हमारे घर के ऊपर ना हमसे लांघा जाता है ना हमसे टापा जाता है अजीब उर्दू। अच्छा वो बंदा हुन सराय की वंजे ना किते दावत दे उते दावत ते गए तो उतों चंगा चंगा खाना खाते ते नाल उन नाल मेहमान हुन उर्दू बड़े अजीब तरीके दे बोलू जी कि भाई दावत तो आए जेड़े वेले उनों दिमाग खराब थी के उतों कुछ नहीं मिला ये दावत बड़ी अच्छी थी इतना हमने बहु कुछ खाया है कितने कितने डिशें पकी हुई थी देखो वो मच्छी भी थी वो क्या नाम है उसका वो जो पीस आदम जी को वो भी थे परसों वाले दिहाड़े में गया हूँ एक दावत पे उन्होंने मुझे चप्पा टुकुर का भी नहीं दिया यही तरीके थी उर्दू है उस्ताद जी। अच्छा लेकिन तुसा तो देहात है लेकिन भैया कुछ शहर जरा दे गाल सुनो शाह साहब ओ जमाना गयो वे जेडा उर्दू का नाम थी। अच्छा हुन सारी नजला पढ़ लग गए सारे सारे के उर्दू भी हम दे इंग्लिश भी हम दिए हां ए तक दी इंग्लिश भी आंदी है जी हां बहुत बड़ा नाम क्योंकि जितनी भी पट्टी है ख्वाजा गुलाम फरीद दे नाम तो मंसूब खास तौर पे रोही मैं एक शेर पढ़सा उन्होंने बाद मैं जेड़ा गुलदस्ता है सारा सजाए इन्हों के गुलदस्ते को बढ़ावन वाले का ना सदीक उजड़ साहब इन मैं शेर पर सबर मुन्नों को दावत ले सा और देखे रब्बा देखता बैठा तुर तुर थे तेरी दुनिया ते जो थींदा पे कि रब्बा देखता बैठा तुर तुर ते तेरी दुनिया ते जो थींदा पे कोई महरे अली कोई बुल्ले शाह कोई बहु सुल्तान सलींदा पे कोई कोट बिठण दा शहजादा जेड़ा जग विच यार चुमींदा पे एक शाकिर तेरी दुनिया विच जेड़ा मोए लेखे जींदा पे। वाह वाह। हुण मैं पाकिस्तान दे बहुत बड़े डायरेक्टर बहुत बड़ा नाम सरायकी इंडस्ट्री जिन्होंने पहली पहली फिल्म रोही दी राणी साड़ी सरायकी फिल्म बनाई है और जितने भी ही वक्त आर्टिस्ट सरायकी पट्टी दे काम करेंगे पे जिन्हें बच्च अकरम निजामी शाहिद आकाश इन्हें नाल माजिद मोहन साहब बहुत बड़ा नाम माजिद मोहन साहब बड़े उस्ताद हैं जितने भी आर्टिस्ट हैं खास तौर पर शम्मू रोही दी राणी तारुफ करवैन ने मिठी दा बहुत सारे आर्टिस्ट मैडम हैं और मैं आप सर मेरे को भी उन्होंने तारुफ करवाया सर एक ही पट्टी दी उते
मेरी कोई शनाख्त कहना आई आशिक पूती वाली फिल्म मेरे बिगने ने काम लिया उतु मेरी एक शनाख्त बड़ी साढ़े वसीम का बहुत बड़ा नाम मैं दावत दे सा निहायत ही काबिल एहतराम सदी गुजर सा जी सदीक भाई ये मोहब्बत है प्यार है यकीन करो तुम प्यार करने मोहब्बत करे हर सैट के उसे गुलदस्ता तैयार थे प्यार है मैं तस्सा मेरी रोही तस्सी तस्सी थस्सी रोही जाया मेरे को आखी ना पराया वाव तुसा सवाल किते गल किते मैं जड़ा काम करेना पिया जे कम तो शुरुआत की है अजकल मेरे को लोग आखते हैं कि तुसा अलवाए करो गाल करो मैं हमेशा शुरू तो ही कहीं मैं अपना इंटरव्यू कह दिता हूँ मैं देवान शुरू किए जरा मैं इस फील्ड आया हम शोबे 27 साल थी गए वाश स्टेज तो आगाज किया कराची तो उसके बाद मैं जिस टाइम सरायकी टैली फिल्म का आगाज किया हा रहीम यार खान तो चुलिस्तानी फिल्म कल्चर दे बनाई चुलिस्तान के कल्चर उत्ते ना है रोही दी राणी वाह वाह पहली टैली फिल्म है जितों आयशा खान लगारी को एक बड़ा नाम मिले आज ना तो पहचान है करैक्टर है उनका ना नहीं शमो जी इवें उनके बाद मेरे को बहुत सारे आर्टिस्ट हैं समीना मिठी के ना ते नसीमा खान इवें ना गिनो था तकरीबन काफी हैं मुख्तसर जी गाल है कि 90% ये शोबे जी व्यवस्था हैं जड़े कम करें या पेन कुछ अपने घर बसें या पेन शोबे को खैर बाद आ गए और मेरे वो बच्चे हैं शाके दिन मेले च मेरे को हर बंद आ दिन तो सदस्या करो आवाम को पता लग गया मैं तो छोड़ो आज नहीं मैं वाल भी अगर दोबारा मेरे को वाल आखनी पी पई है कि फैजी मेरे को कम किते फैजी जब अस ड्रामे का काम करें स्टेज ड्रामे कराची बने मेरे ड्रामे काम करके एक्टर उनैनी है फिल्मा को एक शोहरत कहने पहले दे फिल्मा को शोहरत मिली है टू कॉमेडियन मशहूर ज्यादा उनके बाद त्रीजा नंबर मेरे सज्जे पासों खड़े पप्पू शाह जरा नूरे पौली के नाल मशहूर है अज कल एक डायलाग चलता पे मशहूर मैं कितना बाबा मेरे एक नजर है कि मैं इवें आखे सें भोलेपन जाखना वो कमाल थी गए रेहड़ी वाला उत कोई छोले खाने वाला आंदा पे होटल से वेंदा पे उबान वाले और मेरे को अगले दिन माजद मून जैको माजद मून ई नहीं जान दिया वहां आशिक पोती वो फोन करे पे सारा के यार मैं उडे गया वो मेरे को लाला सिद्दीक मैं उतना गया होटल से बैठा तो रे सुजुकी भरी चाहे तो आते असा किथा बहू आके मैं कि मेरे हाँ ते बहू तो मतलब ये डायलॉग मशहूर थे पे और ये कामयाबी है मेरे बाल हैं मेरे फूल हैं इवें अकरम आया पहली दफ़ा को त्रीजी फिल्म में जो ना निजामी रखा मैं पहली रोहित राणी बोचा वाल कूज उनको ओपन किया मैं उनके ना तो आज माशाल्लाह वो चमकता सितारा है असारे सरे के ना मार सजा वेंदे वो कॉमेडी बादशाह आख्या वेंदे माजिद मून जेको आज आशिक फूती आख देन हालांकि एक्टर पहले दे फिल्म चूं को ना मेरे फिल्म को मिले पहाज पहाज दे बाद फूती समीरा वाले ची काम किया शुरुआत तो थों की थी फिल्म बिया फिल्में ठे सर सा वाले कोई मामा बड़ी जाए कोई हूँ फूती कंडक्टर से मतलब ई तो ना तो मैं हूँ सारे का नहीं गिन सकता कहता ना कि हूँ चाहता ना नहीं किता उतर है अगर मैं ई ना गिनता तो घंटा में ब्याह चाहिए मुख्तसर जी गाल है कि मेरे बच्चे ने मेरे फूल ने महीना का माली है मैं अपने सरायकी आवाम को ये आखसा कि मेरी 27 फिल्म हैं मेरे वसेब दियाँ धियाँ भेड़ियाँ सारे मुल्क दे भिरा सारे पाकिस्तान दे या मुल्क तो बाहर बैठे हैं मेरे को फिल्म बनावा डाक है नहीं आने मैं तो इवें बने ना होना
मगर एक गाल जो कम किते मैं फैमिली किते मुकम्मल फैमिली बहते मेरे काम को देख सकती है। इन चीज़ मैं चैलेंज करे सा कोई आके सिद्दीक उजान दी फलां फिल्म भेण भिरा बहते नहीं देख सकते तो मैं जो जुर्माना असर वसेब दे भिरा भेणी लहसन में को कबूले और इंशाल्लाह मैं मेरा दिल आख दे कि मैं हमेशा सोचते काम किते फिल्म चले ना चले मगर असाडा धियां बहने देख दे बेटे मुल्क दे विच और उन्हें दे कोई ऐसी गाल ना हो जे वर्गर जो आजकल चलता पे मैं बाकी दे डायरेक्टर को भी आखसा जे हूँ मैं उन्होंने भी शागिर्द हाँ जे बना चाहते पे जो असर फिल्म बने मैं उन्होंने भी शागिर्द हाँ पर यह मेहरबानी करें ये जरा काम चलता पे अस ये अजकल चलते ये अजकल तीन फैशन लड़की वेंदी पी चुलिस्तान ते वल वाल खुले कर वे क्यों उन से ही हो आजकल तो फैशन वह कितना से फैशन है कूड़ क्यों मरे ने पाए वे कि में खाम खा सारे जेडे कल्चर हैं को खाना खराब की वे दिन असारे अगवान हैं को मैं वाल आखसा असारे अगवान उन्हें को कच्छ जी मिले बैठे होंगे उड़ू तुसा कल्चर की गाल करें दो उड़ू तुसा महरूमी की गाल करें दो अगवान को मैं आदा पे गाल उड़ू तुसा अगवान कल्चर की गाल करें दो उड़ू तुसा महरूमी की वसेब की गाल करें उड़ू जरा एक वसेब के खिलाफ गाल करें ना करे वसेब के खिलाफ कम करें ना करे साढ़े कल्चर के खिलाफ गाल करें ना करे तुसा उन्हें को बोला कच्छ मिले बैठो अफसोस नहीं तुसा कहो जे लीडर है कहो जे अगवान सराकी अगवान कहो जे भी मैं को दसो मैं तुहारे नाल नहीं रह गया कितना अरसा काम किते मेरे तो कोई कटू गल यो जी मेहरबानी किते करो तुसा ये जे मैं गलत काम करें तो मेरे सामने मेरे को जो सजा नहीं दियो मेरे को आउट कर दियो आवाम को आखो जेड़ा बंदा गलत काम करे उनको आउट करो उनको ना देखो उन टीम को ना देखो जेड़ी अच्छी टीम होवे जेड़ी इस्लाही टीम होवे वो कोई है मैं तो नहीं आता पे मैं हाँ जेड़ा हो तुसा देख गिनो कि कहें काम अच्छा है कहें काम फैमिली काम है तो बिराओ तुसा वो काम देखो वो काम देखो साफ सुथरा काम देखो अस अपने धीए बहने को क्या दिखे दे पैसे असारा पहला कसूर असरे असरे कुलीक हैं वो गलत करें खड़े अगर वो कुल वाला असारी आवाम वो अस आखद यार क्या किते वे अस आखद देखने ले जन वाले देखो अस रिजल्ट देखो तुम्हारे को असरा काम ज्यादा चल गए ये आवाम ये जी आखते हैं तुसाई जे ना बनो ये इतराज ना आवे मेहरबानी करो ऐसा काम ना करो साफ सुथरा काम देखो और साफ सुथरे जेड़ा कम तुसा तुहाड़े हाथे च एक्टर को प्रमोट तुसा करें पे जे को कमेंट्स देने पे जेड़ा अच्छी चीजों को देखो उनको कमेंट्स दियो जेड़ा गलत है उनके खिलाफ हलाओ मैं गलत नहीं तो मैं काम गलत है मेरे खिलाफ हलाओ तो आपको पूरा पूरा हक है मेहरबानी करो शुक्रिया।